बेटा मुझे माफ कर दे। पापा प्लीज उसे पनिश मत करना। भैया अब अमीर के डैड को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे मतलब? कह देंगे मोबाइल अंतरा ने लिया था। नो भैया प्लीज। क्यों भैया? अगर उन्हें ये पता चलेगा कि अंतरा ऑटिस्टिक है तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। मुझे नहीं लगता वो कुछ कहेंगे, काफी मैच्योर लोग लगते हैं वो, और जहां तक मेरा ख्याल है वो समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने मेरी गलती मान ली, वैसे मैं उनके सामने भी कर सकता हूँ। मैंने कहा था चोरी कर कर किसी से माफी मांग लेना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा मैंने कहा था, पर तू क्यों माफी मांगेगा? तूने तो चोरी की नहीं ना, फोन तो अंतरा ने उठाया ना। हाँ पर अंतरा सॉरी नहीं बोल पाएगी। आदित्य अरे कम कम। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे मांग लिया होता मैं ऐसे ही दे देता। समीर आशा करता हूं तुम्हारे बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे, थोड़ा अनुशासन जरूरी है। शेख अभिषेक सुन, क्या हुआ वहां पे? कुछ नहीं हुआ, मैंने जाकर समीर अंकल के डैडी को फोन दे दिया और सॉरी भी कहा। उन्होंने कुछ कहा तुझसे? कुछ नहीं। हाँ उन्होंने कहा तुम मुझसे मांग लेते तो मैं ऐसे ही दे देता। गुस्से में कहा? नहीं नहीं, जैसा मम्मी ने कहा था कि सॉरी बोलने से माफ कर देंगे, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उन्होंने तुझे गले लगाया? नहीं पर कहा कोई बात नहीं। अच्छा अंतरा कहाँ? अपने कमरे में है। सुन 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 था, उन्होंने तेरे मम्मी पापा से कुछ कहा? नहीं तो उन्हें क्यों डांटेंगे, उन्होंने थोड़ी चोरी की थी। अंतरा मैंने फोन लौटा दिया, सॉरी भी बोलिए, अब तो टेंशन मत ले, खुश रहे। तुम्हें तो अभिषेक पर गर्व होना चाहिए, बिल्कुल तुम पर गया है, तुम्हारे जैसे ही हिम्मत पाई है उसने। मैं तो हैरान हूं कि कितनी जल्दी बड़ा हो गया हमारा अभिषेक। आदित्य अब हिम्मत की नहीं, हमारी मजबूरी की वजह से बड़ा हो गया है अभिषेक। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि कल इन्हीं बातों के लिए वो हमें जिम्मेदार ठहराए और हमसे या अंतरा से नफरत करने लगे। नहीं विद्या प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि अंतरा और अभिषेक में कभी दरार आए। अभिषेक ही तो होगा आगे जाकर अंतरा को संभालने वाला है।